अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, द हार्ट ऑफ प्रोफेसर सिल्वरफिश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर लिया गया है बहुत ही दिलचस्प और क्रिएटिव किताब से। उस किताब का नाम है कॉकहार्ट, जिसे लिखा है पीटर बेंजेल ने। इसमें बहुत सी ही दिलचस्प और ख़तरनाक ट्रेकियस हिस्से हैं जो कि बनाए गए हैं लंदन लोगों की सोच के बारे में। फैंटेसी का मतलब होता है सोच और विक्टोरियन यहाँ पे लोगों को कहा गया है। ये 13 साल लड़की है जिसका नाम लेली है। उसके वालिद ऑटोमा बन के बनाने वाले थे, यानी ऑटोमा की इन्वेंशन उन्होंने की थी। ये मशीन है जो ऑटोमेटिक चलती है। उन्होंने लिली के लिए एक पेट फॉक्स मैकेनिकल डिवाइस बनाया था, यानी अपनी बेटी के लिए को उन्होंने एक पेट फॉक्स दिया था जो कि एक टाइप की मशीन थी, और उसका नाम उन्होंने मेल्किन रखा था। मेल्किन मींस अनटाइडी वूमेन। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो फॉक्स की तरह दिखती थी, और वो मशीन जो है वो उन्होंने अपनी बेटी को दी थी। वो मिसिंग थे क्योंकि इनकी एयरशिप जेपलिन जो है वो हार्पून हो गई थी। हार्पून मींस हार्पून एक ऐसा डिवाइस है जिससे जेपलिन को कैच किया गया था, पकड़ा गया था, और वो गायब हो गई थी। और लिली जो है उसके गायब होने की असल वजह जानना चाहती थी। इसकी सर्च में जो है वो मदद कर रहा था क्विस्ट, यानी सर्च में मदद कर रहा था रॉबर्ट, जो कि घड़ी बनाने वाले का बेटा है। ये दोनों मिलकर प्रोफेसर सिल्वरफिश के पास गए, जो लिली के फादर, यानी लिली के फादर का नाम जॉन था, उनके कुलीग थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनसे उन्हें कुछ मालूम मिल सकेगी और उनके गायब होने के बारे में ये लोग कुछ जान पाएंगे। लिली को स्टार्ट से सारा किस्सा बताना पड़ गया था प्रोफेसर सिल्वरफिश को कि मसला क्या है, वो क्यों आए थे रॉबर्ट और लिली इनके पास। जब लिली बात कर रही थी तो प्रोफेसर जो है वो गौर से सुन रहे थे। इसी दौरान एक बटलर सर्वेंट, जो बटलर मेल सर्वेंट को कहते हैं, और जो है वो मैकेनिकल था, यानी मशीन से चलता था वो सर्वेंट, वो घूम रहा था, रिल मतलब घूम रहा था नरमी से, स्लोली स्लोली, और नेटली पैटर्न का मीन्स के वो डेकोरेटेड कालीन पर घूम रहा था, ठीक है। और नेटली पैटर्न का मतलब है डेकोरेटेड, और कारपेट मींस कालीन पर वो घूम रहा था। और उसके हाथ में क्या था, खाना था सिल्वर डोम में, यानी सिल्वर का गोल प्याला था, उसके अंदर वो खाना लाया था, और उसको उसने लंबी सी टेबल पे रखा। मैगोनी जो है एक लकड़ी का नाम है, उससे बनी हुई टेबल पे उसने खाने को रखा। रॉबर्ट जो है वो सिल्वर ग्लास में जो है वो लेमनेड पी रहा था, लेकिन मज़ेदार चीज़ें खाने के बावजूद वो कुछ नोटिस नहीं कर रहा था घर के बारे में, कि घर बिल्कुल खाली खाली था। अगर घर में कोई काम पड़ गया तो वो क्या होगा और उसे कौन करेगा। घर में घड़ी तक नहीं थी, लेकिन अचानक उसका ध्यान गया कि टिकलिंग की आवाज़ आ रही थी जो प्रोफेसर के कमरे से उसके जो है उसने, हो सकता है कि उसने अपने गले के अंदर जो है वो टिक टिक वाली घड़ी पहनी हो, जहाँ से जो उसके हार्ट के करीब हो वहीं से उसकी आवाज़ आ रही थी। फिर एक पुडिंग आती है जिस पर जेली थी और उस पर जो है चॉकलेट क्रीम लगी हुई थी, जो कि सिल्वर प्लेट पर सर्व की गई थी। रॉबर्ट ने एक छोटा सा स्लाइस खाया उसका, और जब उसे ख़त्म किया तो उसने देखा कि लिली जो है तकरीबन सारी स्टोरी सिल्वर फिश को, प्रोफेसर सिल्वर फिश को सुना चुकी थी। प्रोफेसर जो है वो फिर से बैठ गए और सिगरेट जलाई और कहा, माय डियर, तुम बहुत ख़तरनाक करवाहट सच से सामना कर रही हो। अगर तुम मुझे टेलीग्राम कर देती तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। लिली प्रोफेसर की तरफ झुक गई और कहा कि आप कुछ बता सकते हैं मेरे पापा के बारे में, इनके आखिरी मूवमेंट के बारे में। प्रोफेसर ने मना किया, मतलब मना करने का एक्सप्रेशन दिया। फ्रॉन कहते हैं ऐसा एक्सप्रेशन देना जिसमें जो है वो डिसएग्रीमेंट हो, और सिगार घुमाया और कहा कि यकीनन मुझको कुछ पता है इसके बारे में, और इसको बारे में जानने के लिए मुझे 13 साल लग गए। वो इंतज़ार कर रहे थे कि उसी दौरान जो है मैकेनिकल बटलर, यानी जो मशीन से चलने वाला सर्वेंट है, वो डिश वॉश कर रहा था। और जैसे ही वो बाहर गया तो प्रोफेसर ने जो है मार्बल की एस्ट्रे निकाल कर इसमें सिगरेट का एच डाला। आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पैराग्राफ से कंटिन्यू करेंगे, और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत हो रही है। जज़ाकअल्लाह।